वेलकम टू सोशल। बच्चन पांडे से मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, मैं बस चाहता था कि फिल्म एंटरटेनिंग हो और ज़्यादा कुछ नहीं। आई जस्ट वॉन्टेड टू हैव अ गुड लाफ एंड एन्जॉय वॉट एवर अक्षय डज ऑन स्क्रीन। सो डिड आई एन्जॉय द फिल्म और नॉट, ये आपको इस रिव्यू में आगे पता चलेगा। माई नेम इज़ वी एंड दिस इज़ माई रिव्यू ऑफ बच्चन पांडे। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं कल रात इसका 11 बजे का शो देखने गया था एंड शो ऑलमोस्ट हाउसफुल था एंड पीपल वर एक्चुअली रिएक्टिंग लाइक दिस। कैन यू इमेजिन कि मैंने पूरी फिल्म इसी क्राउड के साथ बैठ के देखी एंड आई थिंक दैट प्लेड अ ह्यूज रोल इन माई व्यूइंग एक्सपीरियंस। सो लेट मी स्टार्ट माई रिव्यू। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिल्म के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। मुझे भाई नहीं, गॉडफादर बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर वन, कैरेक्टर ऑफ बच्चन पांडे एंड अक्षय की स्क्रीन प्रेजेंस। मुझे लगता है कि बच्चन पांडे का जो कैरेक्टर लिखा गया है और जिस तरह का उसका लुक है, वो बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश गैंगस्टर्स में से एक हो सकता है। ही इज रूथलेस व्हेन ही किल्स पीपल और उसका लुक काफी इन्फ्लुएंशियल है। सो एज अ कैरेक्टर, आई जस्ट लव हाउ बच्चन पांडे फिट्स इन टू द वर्ल्ड ऑफ गैंगस्टर सिनेमा। इसके अलावा अक्षय कुमार पर्सनैलिटी और लुक वाइज इस रोल में 100% सूट कर रहे हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही पावरफुल लगती है और जिन जिन सीन्स में वो नहीं दिखते हैं, वहाँ यू एक्चुअली स्टार्ट मिसिंग हिज प्रेजेंस। अक्षय का मैं कोई फैन नहीं हूँ, पर मुझे उनकी एक स्क्रीन प्रेजेंस में जो एक कॉमेडी और एक नेचुरलनेस आती है, वो मुझे बहुत पसंद है। जिस तरह की हरकतें वो कभी कभी स्क्रीन पर करते हैं अपनी फिल्मों में, वो बस वही कर सकते हैं एंड दैट इज़ वॉट इज ओरिजिनल एक्टिंग स्टाइल इज। इसलिए मुझे बच्चन पांडे का कैरेक्टर उनके लिए बिल्कुल सही लगा। आई वुड इवन लव टू सी अ पार्ट टू ऑफ दिस फिल्म अगर ये फिल्म सक्सेसफुल हुई तो। भौकाल बनाए रखे के लिए भय बनाए के रखना बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर टू, सिनेमाटोग्राफी। एक मासी फिल्म में, स्पेशली जो बॉलीवुड की एक स्लैपस्टिक कॉमेडी है, उसमें बहुत रेयरली सिनेमाटोग्राफी में फोकस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अक्षय की खुद की कॉमेडी फिल्म्स का एग्जाम्पल ले लो, हाउसफुल फ्रेंचाइज, इट्स एंटरटेनमेंट, राउडी राठौड़, इन सब में सिनेमाटोग्राफी बहुत ही बिलो एवरेज थी। ऐसे लगता है कि सिनेमाटोग्राफर भी इन फिल्म्स की स्टोरी देख के खुद मन बना लेता है कि इन फिल्म्स में अब मैं सिनेमैटिकली क्या ही कर पाऊंगा। डोंट एंग्री मी, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, पर हाँ, जो मैं नहीं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। बट बच्चन पांडे में ऐसा नहीं होता है। ये मूवी सिनेमैटिकली बहुत ही अच्छी तरह शॉट है, जो चीज मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अक्षय के क्लोज वे शॉट्स हो या किसी रॉ लोकेशन पे लॉन्ग शॉट्स, इसीलिए इसकी सिनेमाटोग्राफी बच्चन पांडे के वर्ल्ड को काफी बिलीवेबल बना देती है। मैंने बाद में चेक किया एंड आई रियलाइज कि इसके सिनेमाटोग्राफर वही हैं जिन्होंने ओरिजिनल तमिल फिल्म जिगर थंडा की सिनेमाटोग्राफी की थी। सो नाउ यू कैन रियलाइज कि वाई द सिनेमाटोग्राफी लुक्स सो गुड। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर थ्री, ग्रूसम एक्शन एंड ह्यूमर। ये फिल्म सिंस कोई ए रेटेड फिल्म नहीं है, तो इसमें एक्शन उतना डार्क नहीं हो सकता जितना इंटेंड किया जाता है। सो इवन फॉर अ यूएस सर्टिफिकेट फिल्म, इसका एक्शन काफी ग्रूसम है। फिल्म में फाइटिंग या हैंड कॉम्बैट नहीं, बल्कि गन फाइट्स और शूटिंग सीन्स हैं एंड दैट एक्चुअली मेक्स द फिल्म क्वाइट एंटरटेनिंग। इसके अलावा व्हेन इट कम्स टू द कॉमेडी और द ह्यूमर, सी, ह्यूमर इज सब्जेक्टिव। आई एम वेरी श्योर कि ज़्यादातर लोगों को शायद फिल्म का ह्यूमर पसंद नहीं आएगा, पर मेरे थिएटर में हर कोई बहुत ज़्यादा हंस रहा था हर सीन पे, तो इवेंचुअली मुझे भी उन सीनों पे हंसी आने लगी। सो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, बट आई रियली एंजॉयड सम ऑफ द सीन्स, स्पेशली दो सीन्स जहाँ बच्चन पांडे के गैंग मेंबर्स की स्टोरी बताई जाती है। आई एम स्टिल सेइंग कि शायद सिनेफाइल्स को इसका ह्यूमर बहुत स्लैपस्टिक लगेगा और उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, बट आई थिंक एक मास ऑडियंस को जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म को देखने आए हैं, उन्हें शायद इसका ह्यूमर पसंद आए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीक पॉइंट्स। नंबर वन वीक पॉइंट, अरशद वारसी। अरशद वारसी इज अ मल्टी टैलेंटेड एक्टर और मैं दिल से उनकी सारी फिल्म्स देखना पसंद करता हूँ, चाहे उनका रोल कितना भी छोटा क्यों ना हो। आई थॉट बच्चन पांडे जैसी बिग बजट फिल्म में ही विल हैव अ गुड मेजर रोल, पर उनके कैरेक्टर में कोई यूनिकनेस ही नहीं है। ऐसा लगता है कि ये कैरेक्टर तो लिटरली कोई भी प्ले कर सकता था। सो आई रियली फील बैड कि अरशद का कैरेक्टर बहुत ही बेसिक था और फिल्म में तो कभी कभी बीच में वो गायब भी हो जाते हैं। सो दैट इज व्हाई आई फील दैट ही डिजर्व्ड अ बेटर रिटन कैरेक्टर। वीक पॉइंट नंबर टू, अनकन्विंसिंग फीमेल लीड्स। कीर्ति सैनन एक फिल्म मेकर मायरा का रोल प्ले करती हैं और ये कैरेक्टर बिल्कुल फिल्म से अलग ही लगता है। ओरिजिनल फिल्म जिगर ठंडा में ये फीमेल कैरेक्टर नहीं बल्कि एक मेल कैरेक्टर था जिसको सिद्धार्थ ने प्ले किया था। बॉलीवुड में इस कैरेक्टर को एज अ फीमेल कैरेक्टर एंड एज अ लव इंटरेस्ट के तौर पर दिखाया गया है एंड आई रियली थिंक दैट इट टोटली गोज ऑफ।
ना कृति इस रोल में कन्विंसिंग लगती हैं और ना ही उनकी केमिस्ट्री अक्षय के साथ मैच करती है। मैं एक्चुअली ये सोच रहा था कि सिर्फ अक्षय और उसकी गैंग को ही अगर पूरी फिल्म में रखा जाता विदाउट एनी लव स्टोरी तो फिल्म और भी बेटर हो सकती थी। इट माइट हैव इवन बिकम अ कल्ट फिल्म फॉर अक्षय फैंस बिकॉज यू नो हु डजंट वांट टू सी अ रूथलेस गैंगस्टर विद नो लव स्टोरीज एट ऑल। आई वुड डेफिनेटली लव टू वॉच इट। व्हाट अबाउट यू? बिकॉज अब तो हमारे परसेप्शन सिनेमा को लेकर बहुत चेंज हो गया और हम इन लव स्टोरी से एक्चुअली थक चुके हैं, इसलिए इवन जो जैकलिन का कैरेक्टर फिल्म में दिखाया गया है वो बहुत ही आर्टिफिशियल और फेरी टेल जैसा लगता है। एंड ऐसे और ऐसे रोल हम बॉलीवुड में कितनी ज्यादा बार ऑलरेडी देख चुके हैं। सो बोथ द फीमेल लीड्स वर इन अ वे डिसअपॉइंटिंग। ऑलराइट, ये तो था मेरा रिव्यू ऑफ बच्चन पांडे। कुछ दिनों के लिए मैं स्टार रेटिंग्स अवॉइड करूंगा क्योंकि काफ़ी लोग रिव्यूज़ को सिर्फ रेटिंग से ही जज करने लग जाते हैं एंड उन रेटिंग्स को बाद में फिर दूसरी फिल्म्स की रेटिंग से कंपेयर किया जाता है, विच इज़ एक्चुअली नॉट अ करेक्ट थिंग। यू शुड रियलाइज कि व्हाट आई से इन द रिव्यू मैटर्स मोर देन द स्टार रेटिंग्स। स्टार रेटिंग्स तो बस एक लाइन की बात है, बट उससे पहले जो 5-6 मिनट का रिव्यू होता है वही मेन जजमेंट का कॉन्टेंट होता है। एनीवे, आई होप यू लाइक माई रिव्यू ऑफ बच्चन पांडे। मेरा और आपका ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन एंड डेमोक्रेटिक। सो इसीलिए आप भी मुझे अपना कमेंट्स में बच्चन पांडे को लेके रिव्यू जरूर बताना। आई विल बी रीडिंग योर कमेंट्स। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहाँ आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।